खबर पानीपत हरियाणा से आ रही। 45 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। 40 सेक्टर हारमोनी होम्स रियल हाइटर्स के निर्माणाधीन फ्लैट्स के नाम पर पार्टनरशिप की ठगी। आरोपी 4 दिन की रिमांड पर। हरियाणा के पानीपत जिले के हारमोनी होम्स और रियल हाइटर्स के 2 सगे भाई पार्टनर द्वारा अपने पार्टनर के साथ 45 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में आखिरकार एक आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद करीबन बता दें कि 4.25 महीने के बाद पुलिस के हाथ एक आरोपी लगा, जबकि दूसरा आरोपी उसका पार्टनर भाई फरहार चल रहा, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही। गिरफ्तार किए गए आरोपी संजय कुमार निवासी एल्डिको पानीपत को आज दोपहर के बाद बता दें कि पुलिस कोर्ट में पेश करेगी और पुलिस आरोपी को कोर्ट से रिमांड लेने का प्रयास कर रही, क्योंकि इस मामले में बहुत बड़ा स्कैम खुलने के बाद पुलिस उम्मीद जता रही। इसके अलावा आरोपी की निशानदेही पर फरहार चल रहे उसके भाई राजेश गुप्ता को भी पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही। प्राइम मेक न्यूज शनि के लिए खास रिपोर्ट पानीपत से बॉबी दुआ। 2018 में प्रधानमंत्री योजना के तहत हमले एल्डिको में रियल हाइट नाम से फर्म से हारमोनी के हमने लाइसेंस लिया था, जिसका प्रोजेक्ट में संजय गुप्ता और राजेश गुप्ता मेरे दोनों लड़के मनीष रंगपुर और प्रशांत मेरा भतीजा और मैं पार्टनर थे। हमने अपना हिस्सा संजय गुप्ता और राजेश गुप्ता को बेच दिया था 2018 में, जिसकी हमारी पेमेंट नहीं आई। हमारे कोर्ट में भी केस चले सारे, उसके एवज में फिर हमने इकोनॉमिक सेल में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था 5/1/2022 में। FR नंबर है 0006। उनकी नीचे है सेशन कोर्ट में बेल खारिज होगी थी और हाई कोर्ट में बेल खारिज होगी थी। सर हमने उससे 50 करोड़ रुपये का कोर्ट में, उन्होंने कोर्ट फीस भी लगा रखी, 50 करोड़ रुपये लेने हैं उससे। आज बेल कैंसिल होने के बाद तो 60 दिन से अंडरग्राउंड था जी, पुलिस लेकर लोग गिरफ्तार किया जाए, अंडरग्राउंड था। संजय गुप्ता को गिरफ्तार किया, राजेश गुप्ता अभी मिल जाने पुलिस को, जैसे पुलिस कह रही है। पुलिस ने बड़ी मेहनत करके 60 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार किया और पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। कितने फ्लैट देख चुके हैं और कितने? 798 के पुलिस वालों ने रिपोर्ट दिए, 798 फ्लैट बिक चुके हैं और 1136 फ्लैट बनने थे वहाँ पे। लोकेशन है एल्डिको GT रोड पानीपत। पब्लिक से क्या कहना है ऐसे जो पब्लिक से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हारमोनी से फ्लैट ले रखे हैं उनको कह रहा भी मेरे साथ आओ, ताकि मेरा भी पैसा मिल जाए और आपको भी कोई धोखा ना हुआ, क्योंकि प्रोजेक्ट रुकेगा तो आपको कोई परेशानी, क्योंकि 1 साल पहले इसने उनको हैंड ओवर करना था, वो भी नहीं हुआ। ये उनसे साथ भी बदमाशियाँ कर रहा है, मेरे साथ भी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है ये। TDI में और चीटिंग का इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, 480 में केस दर्ज हुआ है, और इसने TDI में 3 प्रोजेक्ट लिए है और उनको भी ये बेच रहा है। उनसे भी सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इसके जान से मत आओ, ये सबसे सब ये फ्रॉड करके किसी भी कहीं भी जा सकता है, विदेश भी भाग सकता है।